अपने रखते हैं उसकी वजह से ही सारी समस्या का समाधान उसी से ऑयल से ही हो जाता है। ऑयल से होता तो क्योंकि ऑयल और इतनी भी गाड़ी धुलती है यहाँ पे सब देखते हो। बता दो गाड़ी का फोटो। अच्छा लगता काम देखना? नहीं। अरे ये पीछे के लिए बहुत अच्छा टायर। और कैमरे में एक बार बता देना कि अगर ये ट्यूबलेस टायर में अपन बाहर से पंचर बनाते तो नुकसान होता है? टायर के तार टूट जाएंगे। केला देवी पेट्रोल पंप का मेन सिंह भैया मिल जाएंगे तो ये सारे चैनल देखोगे ना अपना। कौन सी गाड़ी है ये? मेरे को भैया की गाड़ी का लग रहा है। व्हाट्सअप यूट्यूब वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ युवराज संगते व्लॉग्स। तो आज है 4th January 2020 और एक्टिवा मेरी लास्ट टाइम चली थी 31st को और अब तब से चली नहीं है। इसमें पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है, टायर पंचर भी है और बहुत गंदी भी हो चुकी है। तो आज का हमारा एजेंडा है हम इसको सबसे पहले इसके टायर का पंचर होगा तो पंचर बनवाएंगे, नहीं तो फिर हवा डलवाएंगे और फिर जाएंगे महिंद्रा फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर और उसको करवाएंगे हम वॉश। तो चलो आ जाओ भाई। एक्टिवा का टायर इतना फ्लैट हो चुका है कि वो चलाने लायक भी नहीं बचा। अगर चलाई तो टायर पक्का ख़राब होगा तो उसको टायर की शॉप तक धकाते धकाते ले जाना पड़ेगा। अच्छा प्रतीक भाई, मेरी गाड़ी में हवा निकल गई थी तो पूरा फ्लैट हो गया था। तो अभी तो हवा डलवा के आपके पास लाए हैं तो देखिए तो पंचर की क्या हुआ है। बिल्कुल। और भी अपने में कहाँ पे आए हो एक बार बता देना। कॉलोनी पार्क में विशाल मेगा मार्ट के पास में मेरी शॉप का नाम है महेश्वरी टायर्स। तो मैं आ चुका हूँ महेश्वरी टायर्स पे कलानी बाग विशाल मेगा, जो भी मेरे देवास के भाई देख रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के पास में। मेरी कार में भी टायर यहीं से निकल जाते हैं और जेके टायर्स का अपना ऑथराइज्ड है। बिल्कुल। और जेके टायर्स सारी ब्रांडिंग के टायर, सारे ब्रांड के टायर मिल जाते हैं। दूसरे टायर जिसको चाहिए वो भी सब हो जाता है। टायर से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसका हल हो जाता है। टायर संबंध सब कुछ भाई, मैं बहुत यहाँ पे सेटिस्फाइड रहता हूँ। मतलब मेरी एक्टिवा से लेके हवा भी डलवानी रहती तो मैं यहाँ पे आता हूँ महेश्वरी टायर्स पे। तो देख ले मेरी एक्टिवा में क्या। बिल्कुल। करवा लो उसको चेक करो। हाँ मैं वही, मेरा भाई विक्रांत। हाय विक्रांत। चेक कर लेते हैं ना और कहीं पंचर तो नहीं कहीं दूसरा तो आ रहा है ना। वे नाम तो बता दीजिए अपना। अनिल भैया। तो अनिल भैया हमारी मेरी एक कार एक्टिवा दोनों हमेशा अनिल भैया के, अनिल भैया के पास आज टाइम नहीं है अपने दूसरे कस्टमर। आप की कर रहे हैं भैया? अच्छा आप टायर बनवाने आए हो। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा अंकल, तो अपनी कौन सी गाड़ी का टायर है ये? मारुति। अच्छा वो अपनी मारुति मैंने वही आपकी खड़ी हुई। ठीक है ठीक है अंकल। तो मतलब कैसे क्या सर्विस, आप हमेशा यहीं आते हो? सारी मशीन यहाँ पे रखी हुई है और पंचर भी, अगर मेरे ट्यूबलेस टायर में पंचर हुआ तो वो अंदर से बनेगा, कुछ लगाना पड़ेगा नहीं। रुको ठीक है छोड़ो अपना वाला करवा दो उसको भी। पीछे के लिए बहुत अच्छा टायर। और कैमरे में एक बार बता देना कि अगर ये ट्यूबलेस टायर में अपन बाहर से पंचर बनाते तो नुकसान होता है? टायर के तार टूट जाते हैं। टायर के तार टूट जाते हैं और अपने यहाँ कोई आएगा ट्यूबलेस टायर बनवाने तो अंदर से बनेगा ना? हाँ सिर्फ अंदर। तो अपन प्रोसेस बताते अंदर से टायर कैसा बनता है। इसको अपन रब कर रहे हैं अंदर से। अपन रब कर रहे हैं ये जहाँ पे भी है।
वहाँ पर डिग्री लग जाएगी एक लगा दी बाहर से होल हो गया कुछ जाए नहीं अंदर तो पंचर जो ऑफिस अच्छा तो होल भी भर जाएगा वो जो टायर फिक्स हो जाएगा उसके आगे आगे बात करते फिर क्या करना है बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि भैया ना पिछला टायर कंप्लीट हो गया और अगले टायर में डाला रहा हूँ ट्यूब टायर लुक्स यहाँ पे सवारी सारा सारे सारी कंपनी के टायर के स्टॉक्स मिल जाएंगे और मनीष भी हमारी गाड़ी में क्या क्या हुआ है एक बार अभी आपकी गाड़ी में मैंने पंचर बनाया है पीछे के टायर का पंचर था अंदर से जो कि अंदर से ट्यूबलेस टायर थे ट्यूबलेस टायर था है ना और आगे का भी टायर व्यवस्थित कर दिया है मैंने आगे का भी टायर का मैं सभी मोड से पेमेंट ले लेता हूँ कोई सा भी मोड हो तो मेरे पास पेटीएम है तो पेटीएम से पेमेंट करूंगा से ले लेता हूँ गूगल पे फोन पे बजाज कार्ड से फाइनेंस भी हो जाता है क्रेडिट कार्ड भी चलता है अच्छा मतलब अगर कोई खरीदना आता है तो फाइनेंस भी हो जाता है सब टायर पे भी फाइनेंस होता है टायर पे भी फाइनेंस हो जाता है ओके तो मनीष भी और हम पहले से जुड़े हुए मेरी जो कार है शेवरलेट बीट है दूसरी गाड़ी है उसके टायर भी यहीं से जाते हैं क्यों भैया तो वीडियो तो आज आ रही है बाकी मेरे तरफ से रिकमेंडेड है कि आप यहाँ पे और किसी को भी यहाँ आना है आपकी शॉप पे तो कैसे आएंगे संस्कार हॉस्पिटल और संस्कार हॉस्पिटल के पास में विशाल मेगा मार्ट से दो शॉप के बाद में मेरी जेके टायर की स्टील दो शॉप के बाद में तो जो भी मेरे देवास के भाई यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो विशाल मेगा मार्ट सब जानते हैं तो और अगर कोई बाहर से भी यहाँ आ रहा है तो विशाल मेगा मार्ट बहुत अच्छा लैंडमार्क है जो सब समझ जाते हैं तो विशाल मेगा मार्ट के दो दुकान छोड़ के हमारी महेश्वरी टायर्स है ठीक है सर थैंक यू ओके है ना और भाई हैप्पी न्यू ईयर सर बढ़िया बढ़िया बस अच्छे वीडियो भी बना रहा हूँ हाँ बस वीडियो भी चल रही है तो मैं आ गया हूँ नवीन सर के पास महिंद्रा फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर जो कि अपना सनशाइन वर्कशॉप है ना तो आज मेरे को अपनी एक्टिवा वॉश करवानी है 30 बस सी खड़ी हुई थी बहुत गंदी हो गई है करवा लेते वॉश करवा लेते और उस्ताद कैसे हैप्पी न्यू ईयर सर आज का इंजन बन रहा है अपना कौन सी गाड़ी का ये मेरे को भैया की गाड़ी का लग रहा है हाँ ये रहा इसके दिख रहा है इंजन गया उसका सिर्फ हेड हेड ही खुला है नीचे नहीं खुला ना पूरा अच्छा ये बन चुका है अभी हाँ चाबी लगी हुई भाई जो शुरुआत से ऑडियंस जुड़ी हुई वो नवीन सर को जानते होंगे सर एक बार हमारी नई जो ऑडियंस जुड़ी हमारी नई फैमिली बनी उनको भी अपना एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए नवीन मोहनी सनशाइन व्हीकल्स महिंद्रा फर्स्ट चॉइस मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर सो महिंद्रा फर्स्ट ऑयल मल्टी ब्रांड सर्विस सेंटर जिसका नाम है अपना सनशाइन वर्कशॉप के ओनर है नवीन सर तो सर किसी को भी अगर आना है यहाँ पे अपनी वर्कशॉप पे तो कैसे आएंगे एक बार एड्रेस बता देना सर ये भोपाल चौराहा मटसी रोड की तरफ ये अपना जो रोड है सदगुरु होंडा के पास सदगुरु होंडा के पास में तो अपने देवा से इंदौर की ऑडियंस देख रही किसी को भी आना है तो सदगुरु होंडा एक अच्छा लैंडमार्क है इजी पता है रोपवे के गेट पे सामने रूफ रोपवे है ना जो हमारी देवास की रोपवे
रोपवे के पास में, माता जी की टेकरी पे जो जाने के लिए रोपवे लगे हैं, रोपवे लगे हुए हैं गेट के पास में, उसके गेट के पास में अपना महिंद्रा फर्स्ट चॉइस आ जाएगा। तो जिसको भी अगर मेरी एक्टिवा में पहली वीडियो बनी थी उसकी अगर देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लेना, ठीक है। तो आज तो वॉश करवाते, देखते हैं। बता दो यार नाम अपना। खालिद। क्या जोर से जोर से? खालिद। खालिद सही बोला मैंने? हाँ ठीक है खालिद भाई। जितनी भी गाड़ी धुलती है यहाँ पे सब देखते हो? बता दो गाड़ी का फोटो। अच्छा लगता काम देखना? नहीं। अरे भग्या। जो पिन होती है वो कनेक्टिंग रॉड का बेरिंग खत्म होने की वजह से वो कनेक्टिंग रॉड पूरी ढीली हो गई थी और पूरा कंप्लीट वो क्रेन का आवाज कर रही थी बहुत ज्यादा। मतलब इसका ऊपर वाला हिस्सा अच्छा था ना, हेड और पिस्टन वगैरह? नहीं, हेड में भी स्क्रेचेस थे, धुआं दे रही थी गाड़ी बैंक उसमें भी स्क्रेचेस थे और इसके सारे बेरिंग भी खराब हो गए थे इंजन के अंदर के। तो बस ये मेरे ख्याल से तो ऑयल चेंज कराने की वजह से इसी दिक्कत आती है। जनरली होता क्या है, लोग सर्विसिंग प्रॉपर टाइम पे करवाते नहीं है, ऑयल का ध्यान नहीं रखते हैं, उसकी वजह से ही सारी समस्या का समाधान उसी से ऑयल से ही हो जाता है। ऑयल से होता तो क्योंकि ऑयल और एयर फिल्टर, एयर फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि एयर फिल्टर एक ऐसी चीज़ है कि जो बाहर की जो डस्ट होती है वो इंजन के अंदर एयर फिल्टर की वजह से ही जाती है। अगर एयर फिल्टर में डस्ट काफ़ी जमा है या एयर फिल्टर फट गया है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एयर फिल्टर से डस्ट इंजन के अंदर डायरेक्टली कार्बोरेटर और पेट्रोल के साथ में डस्ट इंजन के अंदर इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद वो डस्ट जो है अंदर पार्टिकल्स जो है वो इंजन की कटिंग का काम शुरू कर देते हैं। सर अपन उसको स्पार्क प्लग को भी इग्नोर कर दे तो कभी? देखिए स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ है कि जो स्पार्किंग करता है उससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, बाकी इंजन से रिलेटेड ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता स्पार्क प्लग। अभी हमारे पास एक नए तरह का स्पार्क प्लग आया है। अलग तरीके के स्पार्क प्लग? हाँ, एक और नया अपग्रेड वर्जन आया है। तो अभी दिखाएंगे, अगली वीडियो में दिखाएं? अभी दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। तो आज का तो बहुत लंबा हो गया क्योंकि टायर भी अपने कवर है, वॉशिंग भी। हाँ। तो अगले वीडियो में कवर करते हैं 800 किलोमीटर बाद मेरे को सर्विस करानी है तो स्पार्क प्लग अपन वो नया वाला डालेंगे, उससे आपको अपनी मेरी गाड़ी में डाल के देखते हैं, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा, एक्टिवा में डाल के देखते हैं। अरे बचपन में बहुत साइकिल चलेगी, गिरूंगा तो नहीं रहा। तो मेरी एक्टिवा पूरी वॉश और पॉलिश होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है। चमक गई यार, कोई नहीं, बढ़िया होगी एक्टिवा।
अगर यहाँ तक देख रहे हो तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग। और कमेंट करके जरूर बताना एक्टिवा कैसी है अपनी। पांडे जी क्या कर रहे हो? बस वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। वीडियो एडिटिंग बता दो कैमरे पे, अभी बाद में बताएंगे, बाद में बताते हैं, बाद में बताते हैं। अभी तो यहाँ बैठे हैं हम, गाड़ी अपनी एक्टिवा का नंबर आता तब तक इंतजार करते हैं, फिर वॉशिंग दिखाता हूँ।